हेलो गाइस, स्वागत है आपका आकाश 2M में। फाइनली एग्जाम खत्म हो चुके हैं, अब फाइनली रोज वीडियो आएगी है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं NSP स्कॉलरशिप में। आपके सबके सामने ये मैसेज शो हुआ होगा, अकाउंट वैलिडेट एट NSP गाइडलाइंस, ऐसा कुछ आपके पास मैसेज शो हुआ होगा आपका एप्लीकेशन स्टेटस में, और आपका जो मेरिट लिस्ट है वो ही ब्लैंक शो कर रहा है। इस लाइन का क्या मतलब है, अकाउंट वैलिडेट का मतलब क्या है, क्या कब तक आपको पैसा मिल पाएगा, ठीक है। ये जो आया है मैसेज, जिनका मेरिट लिस्ट सिलेक्शन हो गया है उनका भी आया है, जिनका मेरिट लिस्ट सिलेक्शन नहीं हुआ है उनका भी आया है। तो दोनों में फर्क क्या है, दोनों का ही आ रहा है क्या, जिनका मेरिट लिस्ट सिलेक्शन हुआ उनको पैसा मिलेगा, या जिनका मेरिट लिस्ट सिलेक्शन नहीं हुआ क्या उनको भी पैसा मिल सकता है। इस वीडियो में आपके कंप्लीट डाउट्स को क्लियर करने वाला हूँ। इस वीडियो में कुछ स्क्रीनशॉट, कुछ पेमेंट प्रूफ आपको दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो बने रहे। आपको पेमेंट प्रूफ भी दिखाऊंगा इस वीडियो में। पेमेंट भी आ चुका है, काफी बंदों का पेमेंट भी आया था, जिनका रुका हुआ पेमेंट था उनका पेमेंट रिसीव हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इंस्टाग्राम फॉलो नहीं, इंस्टाग्राम फॉलो कर लिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते बिना कोई टाइम वेस्ट के, लेट्स स्टार्ट। तो पहले आप स्क्रीनशॉट देख लीजिए, एक बंदे का स्क्रीनशॉट देख लीजिए आप। ये है यहाँ पे इनका जो लिखा हुआ है, ये समद्रा बेगम इनका नाम है इनका, और इनका जो देख सकते हैं एप्लीकेशन सेंड टू PFMS फॉर पेमेंट हो चुका है, और मेरिट लिस्ट में देख सकते हैं इनका सिलेक्शन यस हो चुका है। मैंने पहले बोला था जिनका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा उनका यस होगा, और जिनका नो है उनका ब्लैंक शो कर रहा है। उनका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपका जो मई में, अभी 11 तारीख हो चुका है, हो सकता है 16 या 17 तारीख को मई की वेबसाइट में लॉन्च हो जाए NSP की वेबसाइट में। अगर वहां पे बंदों का नाम आ जाता है तो उनका नो है या ब्लैंक शो कर रहा है वो यस शो में बदल जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो इनका एप्लीकेशन सेंड टू पेमेंट हो चुका है, और इनका अमाउंट भी दिखा रहा है, आप देख सकते हैं 10,200 रुपये इनका अमाउंट कुछ दिखा रहा है यहाँ पे, और इनका भी ऐसे लिखा हुआ है अकाउंट वैलिडेट एज नेम मैच बाय NSP गाइडलाइन। इसका मतलब ये हुआ आपका बैंक वैलिडेट कर लिया गया है, आपका जो भी बैंक आपने NSP स्कॉलरशिप में दिया था अप्लाई करते वक्त, वो आपका बैंक वैलिडेट कर लिया गया है NSP की मिनिस्ट्री ने, ठीक है। इसका मतलब है कि आपका बैंक में जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, आपकी जो लिमिट है, ये सबको जांच पड़ताल कर लिया गया है। आप ही का ही है, आप ही किसी अन्य सदस्य का नहीं है, आप ही किसी फ्रेंड्स का नहीं है, आप डुप्लीकेट तो नहीं है, ये सब उन्होंने चेक कर लिया, ठीक है। ये सब चेक करने के बाद पाया गया जो आपने NSP बैंक अकाउंट दिया था, आपका जो बैंक अकाउंट है वो मैच खा गया, मतलब क्या खा गया, मैच खा गया है। तो इसलिए आपका जो है अकाउंट वैलिडेट एज नेम मैच बाय NSP गाइडलाइंस आ गया, ठीक है। आपका कुल मिला की बात है बैंक वैलिडेट हो चुका है। अब बैंक वैलिडेट उनका भी हुआ जिनका मैंडम सिलेक्शन नहीं हुआ, और जो उनका भी हुआ जिनका मैंडम सिलेक्शन हो चुका है, तो दोनों का ही स्थिति में होगा। कल को अगर मान के चलो इनका मैडम सिलेक्शन हो जाता है, उनका यह साल, तो उनका पेमेंट मिलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उनका पेमेंट हैंड टू हैंड रिलीज हो जाएगा, ज्यादा टाइम लगेगा, 10 या 15 मिनट उनका पेमेंट रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ है। और मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, जैसे अगर आपका अकाउंट वैलिडेट नेम मैच NSP गाइडलाइन अगर नॉट शो करता, नॉट वैलिडेट एज नेम मैच NSP गाइडलाइन, किसी का डेट ऑफ बर्थ मिसप्रिंट होता है या किसी का आधार कार्ड लिंक नहीं होता है, ठीक है, तो प्रॉब्लम वो है उसके साथ, तो उसको पैसा नहीं मिल पाएगा। ये मैं आपको बताता हूँ, उसको पैसा नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपका बैंक के साथ मैच नहीं खा रहा है, ठीक है, और ये बार बार नहीं होता है, ये एक बार होता है, फिर उसके बाद होता है सर सितंबर अक्टूबर में होता है, पोर्टल खुलता है फिर होता है, ऐसे में बार बार नहीं होता है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ जिन बंदों का पैसा अटक गया था पहले, जिन बंदों का पैसा अटक चुका था, इनका बहुत पहले ही पेमेंट सक्सेस हो चुका था, उनका पैसा भी मिल चुका है, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, 26 अप्रैल 2022 को इनको अकाउंट है पैसा क्रेडिट हो चुका है। मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ आपको, इनका पेमेंट काफी हुआ नहीं था, 1.5-2 महीने से इनका पेमेंट सक्सेस लिखा हुआ हो गया था, इनको डर था, चिंता था कि मेरा पेमेंट कब आएगा, क्या अटक तो नहीं गया, कुछ हो तो नहीं गया, ये बार बार मैसेज कर रहे थे, लेकिन फाइनली इनका DBT मोड में, मैं बोल रहा हूँ आजकल जो पैसा आ रहा है NSP का वो DBT मोड में आ रहा है, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड में, इसलिए आप NPC सर्वर में बैंक अकाउंट को लिंक करके रखिए आधार कार्ड से, तो फायदा रहेगा, ठीक है। इसका देख लीजिए 10,000 समथिंग इसको स्कॉलरशिप मिल चुका है, और काफी खुशखबरी की बात है, आपको मिल जाएगा अटका हुआ पेमेंट, जल्दी रिलीज हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए अगर आपका पेमेंट अटक गया है तो। अब देखते हैं मेरिट लिस्ट कब तक आता है, मेरिट लिस्ट आए फिर उसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल दे सकूं, उसके बाद किन बंदों का शो कर रहा है ब्लैंक, वो जिनका ब्लैंक शो कर रहा हूं काफी कमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन टेंशन ना लीजिए, ऑलवेज गुड आपके साथ होने वाला, अगर आपकी परसेंट अच्छी है तो वास्तव में आपका नाम आएगा और 100% आएगा, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।